जी हाँ, जब बात कर रहे हैं मुख्तार अंसारी की, जी हाँ, मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टियों को सीज करने का उत्तर प्रदेश सरकार का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की उत्तर प्रदेश ही नहीं, पंजाब में भी काफी प्रॉपर्टी है। वो सब सीज करने के लिए ईडी खंगाल रही है उसके एक-एक सबूत। तो आइए आपको बताते हैं कि किन-किन जिलों में उत्तर प्रदेश और पंजाब में मुख्तार की प्रॉपर्टी है जिसे जब्त करने की तैयारी चल रही है। आईटी के निशाने पर मुख्तार की यूपी और पंजाब की संपत्तियां, 20 से ज्यादा प्रॉपर्टी का जुटाया जा रहा है ब्योरा। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की गाजीपुर में प्रॉपर्टी के साथ ही साथ पूरे उत्तर प्रदेश की संपत्तियों का ब्यौरा खंगाला जा रहा है। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की गाजीपुर और लखनऊ में दो संपत्तियां सीज करने के बाद अब आयकर विभाग दूसरे शहरों में भी संपत्ति सीज करने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग यूपी और पंजाब में 20 से ज्यादा संपत्तियों का ब्यौरा जुटा रहा है जो अपराध से कमाई गई है। जल्द ऐसी संपत्तियों को सीज किया जाएगा। इसमें से कई संपत्तियां मुख्तार और उसके परिवार के सदस्यों के नाम मऊ, लखनऊ, वाराणसी, यूपी के दूसरे शहरों में है। सूत्रों के मुताबिक ने अपने करीबियों के जरिए पंजाब में रियल एस्टेट कारोबार फैला रखा है। पिछले साल ईडी ने मुख्तार और उसके करीबियों के यूपी और पंजाब के ठिकानों पर छापेमारी की थी। पंजाब में रियल एस्टेट में अंसारी का पैसा लगाने की एक वजह ये भी थी कि यूपी की योगी सरकार उसके कारोबार को अब तक बहुत नुकसान पहुंचा चुकी है। इसके बाद मुख्तार ने अपने नेटवर्क के जरिए पंजाब का रुख किया था। आयकर विभाग मुख्तार के परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ भी जांच कर रहा है। आयकर विभाग इससे पहले गाजीपुर और लखनऊ के डाली बाग में मुख्तार की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर चुका है, करीबियों के नाम पर खरीदी है कई संपत्तियां। आयकर विभाग मुख्तार के करीबियों की संपत्तियों का ब्यौरा भी जुटा रही है। विभाग को अंदेशा है कि यूपी समेत पूरे राज्य में मुख्तार अंसारी ने अपने करीबियों के नाम कई प्रॉपर्टी खरीदी है। अब तक जांच किए गए कई मामलों में पाया गया है कि सेल डीड में जिन चेक का जिक्र किया गया है वो कभी भुनाए ही नहीं गए। लखनऊ के डालीबाग में जब्त की गई संपत्तियों में से भी ऐसी किया गया है। आयकर विभाग को शक है कि कार्रवाई के डर से कई संपत्तियों को फर्जी भुगतान दिखाकर दूसरे के नाम पर कर दिया गया है।